हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज यहाँ बहुत अच्छा दिन लगा हुआ है, धूप चढ़ी हुई है पूरी जोरों से। मैंने आज आपको अपना सुबह का रूटीन दिखाना था, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको फिल्म किया जाए साथ साथ में। तो मैंने सुबह अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है और अपना एक्सरसाइज की है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तकरीबन। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। हवा बहुत तेज़ है आज, तो बाहर वीडियो नहीं बन पाएगा अच्छे से, आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए हम अंदर ही आज अपना काम करेंगे, आपको दिखाएंगे कि मेरा ऑलमोस्ट डेली का रूटीन कैसा होता है। बाहर तो अच्छे लग ही रहे हैं प्लांट्स, मैं आपको अंदर का भी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे प्लांट्स कितने खुश हैं, यहाँ बिल्कुल विंडो के पास होने की वजह से। ये जो है प्लांट, अफ्रीकन वायलेट इसको बोलते हैं, ये आई थिंक मेरा पिछले 6 महीनों में ये तीसरी बार इसके फ्लावर्स निकल रहे हैं, और ये वाले भी दूसरी बार हो रहे हैं इस बार पिछले 6 मंथ्स में। और यहाँ पे हमारे पास है ये एलोवेरा जो मैंने अभी अभी नए पॉट में लगाया है, तो देखती हूँ कि कैसा ये चलता है इसमें। ये दोनों कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये मैंने बाहर रख दिया था तो ठंड की वजह से ख़राब हो गया है, हाइड्रेंजिया बोलते हैं इसको। पर ये एक बड़ा वाला भी है मेरे पास, सेम वन, इसको अभी बाहर लगाना है। लेकिन अभी वेदर ठंड बहुत है तो ये अच्छे से नहीं होगा, तो मैं बस वेट कर रही हूँ। और इधर जब आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑर्किड्स हैं, दोनों पिंक कलर में ही हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक क्रिसमस कैक्टस इसका बोलते हैं, क्रिसमस कैक्टस। इसमें बहुत अच्छे फ्लावर निकलते हैं यहाँ पे एजेस पे, आई डोंट नो व्हाट कलर दे आर, आई हैवंट सीन द ब्लूम येट। और यहाँ पे ये वाला आई थिंक इसको जेड, ये वाला जेड प्लांट है, ये वाला द सेम वन रेड हार्ट और एंथोरियम्स और समथिंग इसको बोलते हैं। सो सभी प्लांट बहुत अच्छा चल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे लाइट पड़ती है विंडो के पास। तो अब मैं अपना जो है नेक्स्ट रूटीन शुरू करने वाली हूँ। आज मैंने जुकीनी की सब्ज़ी बनानी है, इट्स वेरी इजी टू मेक और जल्दी बन जाती है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने सोचा आज यही यूज़ करती हूँ। और मेरी फ्रिज में काफ़ी देर से पड़ी हुई थी तो ख़राब होने वाली थी, तो सोचा कि वाई नॉट। तो ये है, मैंने अभी वॉश करके रखे हुए हैं जुकीनी, टमाटर है, प्याज है, अदरक है, मुझे अभी आलू भी डालने हैं इसमें, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस एक बड़ा आलू काफ़ी होगा। और यहाँ पैन में मैंने ऑयल डाला है, मैं हमेशा सरसों का तेल यूज़ करती हूँ सूखी सब्जियों में, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आपके लिए अच्छा भी होता है, रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा बेटर है। अब मैंने यहाँ पे अपने वो सारे जो इंग्रेडिएंट थे वो सबको काट लिया है, प्याज, अदरक, टमाटर, आलू और जुकीनी। अब यहाँ पे स्टोव को ऑन कर दिया है और तेल गर्म होने वाला है। ये ज़ीरा अब भुन गया है थोड़ा थोड़ा सा, अब इसमें हम प्याज और अदरक डाल देंगे। अब प्याज अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। अब इसमें मैं मसाले भी डाल रही हूँ, तो अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो, जितना आपको स्वाद के हिसाब से वो डाल दीजिए। मैंने डाला है नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और भून जाए। ये हमारा ऐसे यहाँ मसाला रेडी हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अब ये ऑलमोस्ट तैयार है, इसमें हम ये जुकीनी और आलू डाल देंगे। अब इसको अच्छे से
मिक्स करके ऊपर से ढक देते हैं और स्टोव को थोड़ा कम कर देते हैं और ये धीरे धीरे यहाँ पे बनती रहेगी। जब तक ये सब्ज़ी यहाँ पे बनती है धीरे धीरे सेक पर, तब तक मैं अपना नेक्स्ट टास्क कर लेती हूँ। उससे हमारा टाइम भी बचेगा और सब कुछ ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि मैं मुझे बाद में काम पे जाना है, तो मेरे पास अभी बस 2-3 घंटे ही है, तो मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है बिफोर आई गो टू वर्क। सो मेरा अगला टास्क जो मैं करने वाली हूँ वो है हमारे छोटे छोटे पेट्स, हमारे उनकी केज मुझे साफ़ करनी है। तो आइए आपको दिखाती हूँ हमारे पास कौन से पेट्स हैं। तो ये है भाई हमारे छोटे छोटे पेट्स, दे आर कॉल्ड ड्वार्फ बनीज। ये छोटे वाले बनीज हैं जो इतने ही साइज में रहते हैं, बड़े नहीं होते हैं। हाय हाय, तो आप देखें आप इन्होंने कैसे गंद डाला हुआ है पूरी केज में। तो मुझे बस अब इसकी सफाई करनी है, इट्स अ डेली चोर फॉर मी। हर सुबह मुझे इनकी केज साफ करके फूड डाल के फिर मैं काम पे जा सकती हूँ, वरना ये तो भूखे रह जाएंगे। दूसरा वाला कार देखें, वो अंदर घुस के बैठा हुआ है, वो देखिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं, पहले मुझे ये सब कुछ निकालना है यहाँ केज से, उसके बाद मैं इसको वैक्यूम करूँगी। ये देखो कैसे ऊपर उठ रहा है, इसको पता कि अब मुझे खाना मिलेगा। हाय, तो जो सब्जी की स्मेल आ रही होगी ना, इसीलिए मेरे हाथ को चाट रहा है। He's so cute. You're so cute. तो चलो जी शुरू करते हैं इनके केज की सफाई। इनको हमने नाम दिए थे लेकिन कोई भी इनको नाम से बुलाता नहीं है। तो जो वाइट वाला है उसको हमने नाम दिया था स्नोबॉल, एंड द ब्राउन वन वाज कॉल्ड बबल्स। नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको नाम कैसे लगे। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिली नेम्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी पर्सनालिटी से जाते हैं, स्पेशली द स्नोबॉल। तो ये मैंने इनका केज जो है वो साफ कर दिया था वैक्यूम करके, और नई बेडिंग भी बिछा दी है। ये वाला स्नो बॉल जो है ये बहुत खुश है क्योंकि इसका केज अब साफ हो गया है। देखो कैसे छलांगे लगा रहा है, ओह माय गॉडनेस। ओके चलो ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारी सब्जी का क्या हाल है। तो ये यहाँ पे अच्छे से बन रही है, अभी भी थोड़ी देर और लगेगी। जब तक ये सब्ज़ी बनती है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ और फिर मुझे रोटी बनानी है अपने काम पे लेके जाने के लिए। इट्स गोना बी माय लंच स्लैश डिनर। ओके तो चलो शुरू करते हैं। चलो जी यहाँ पे आटा मेरा गूंद गया है, उधर सब्जी भी तैयार हो गई है, चलो देखते हैं। अच्छी लग रही है। ओके अब मैंने रोटी बनाने की तैयारी कर ली है यहाँ पे। सो सॉरी फ्रेंड्स, मैं अपना रोटी बनाने का वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज अभी मैंने अपना ये वीडियो शूट करते करते ही अपना ट्राइपॉड जो है वो तोड़ दिया है। तो अब मुझे किचन में कोई स्पॉट नहीं मिल रहा है जहाँ पे मैं रख के और ये साथ साथ में अपना रोटी भी बेल सकूँ, और एक हाथ से तो रोटी बेलती नहीं है भाई। सो अब मैं क्विकली इसको बना लेती हूँ और आपको बाद में मिलती हूँ फिर। चलो जी रोटी मेरी तैयार है और मैंने पैक भी कर ली है, ये आपको दिखाती हूँ। ये फुल रोटी है, इसको फुलका भी बोलते हैं। ये सब्जी है जुकीनी की, इसको भी मैंने पैक कर लिया है, अब इसको लंच बैग में डालना है
और काम पे जाने से पहले मेरे पास 2 घंटे हैं अभी, उसमें मैं अपना थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और चाय वगैरह पीऊँगी। आज तक के लिए बस इतना ही, अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूँगी एक नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।